अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली मैंने वापस जाना है ससुराल और मैं खाना बनाऊंगी अपने लिए स्पेशली। नो मजाक कर रही हूँ। सो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, कुकिंग से रिलेटेड होने वाला है। इसके अलावा जो है $1 शॉप है एक ओपन हुई है, उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप जो है शूट की है जब मैं गई थी। सो तो जी ये है $1 शॉप और ये एसक्री 14 की बैक साइड पे है और काफ़ी अच्छी जो है ओपन की हुई है। सो यहाँ से हमें हमारा गुजरना हुआ तो मैं मतलब मैंने हैंड्स फ्री लेने थे, सो मैंने यहाँ पे गई हूँ और यहाँ पे फ्लावर्स बहुत मुझे अच्छे लगे थे। उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जाऊँगी और वहाँ से ज़रूर जो है फ्लावर्स वगैरह या जो भी रूम डेकोर की चीज़ें हैं वो ज़रूर लूँगी। और ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ, जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं, एसक्री 14 की जो है बैक साइड पर है और बहुत ही मज़े की शॉप है। सो जी ये है आज का बनाने लगे हैं खाना। सो ये कीमा है और ये 1 kg से ज़्यादा होगा और इससे जी मैं बनाने लगी हूँ। पहले मैंने सोचा था सीख कबाब, सो नहीं, उसके बाद जो है मैं चपली कबाब बनाने लगी हूँ। इसके कीमा ये करवा के लाए हुए और चिकन पड़ा हुआ है, चिकन का बनाना है चिकन पुलाव और ये धनिया और मिर्चें वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं अपने जो है चपली कबाब बनाना। पहले मैं यही सोच रही थी कि अब सीख कबाब बनाते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, खुद चपली कबाब बनाते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं चपली कबाब की रेसिपी, क्योंकि आज जो है मैं वापस जा रही हूँ। और ये जी है चॉप किया हुआ प्याज और ये हैंड चॉपर से ही मैंने जो है चॉप कर लिया है, क्योंकि कौन मशीन निकाले फिर चॉप करे फिर वापस रखे धोए। सो जी इसमें जो है धनिया ऐड किया है, टमाटर ऐड किए हैं और प्याज जो है चॉप करके ऐड किया है। सो ये आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और अब इसमें जो है मसाला जात ऐड करेंगे, क्रश चिलीस अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है कम खाना है। सो मैं नॉर्मली रख रही हूँ। उसके बाद जो है नमक हसबे ज़रूरत, ये है जी धनिया पाउडर, ये मैंने 2 जो है टीस्पून ऐड कर दिए। उसके बाद जी ये पड़ा हुआ है मिक्स मसाला, सो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद इसमें डालना है हमने ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। अब जो है इसमें मैं थोड़ी सी जो है अजवाइन ऐड करूंगी, थोड़ी सी, ये सारे मसाला जात जो है हो गए हैं। उसके बाद जी मैंने ऐड किया है बेसन और अब जो है मैं ऐड करूंगी अंडा। यहाँ पे जी साथ साथ जो है मैं बना रही हूँ पुलाव। ये टमाटर ऐड कर दिए मैंने। और अभी जी इसके अंदर जो है मैं अंडा ऐड करूंगी और मिक्स करके जो है फ्रीज़र में रख दूंगी और मतलब टाइम हो जाएगा घंटा, तो फिर उसके बाद फ्राई करूंगी, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो सारा जो है वो अच्छे से जो है गोश्त में, गोश्त कह रही हूँ सॉरी, कीमे में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। सो जी बाय द वे आज जो है मैंने वापस जाना है और ससुराल। सो ये मैं मेरे हस्बैंड ने भी आना है,
इसलिए जी खाना बना रही हूँ। और ये मेरे लिए अपने लिए भी होता है कि दावत होती है जब भी जब मैंने जाना होता है। और यहाँ पे जी हसन भी आ गया है। हसन हेलो बाय हाय टाइम। यहाँ पे जी मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके जो है घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद कबाब बनाएंगे। यहाँ पे जी मिक्सर रेडी हो गया है और ये साथ पुलाव भी। सो जी फाइनली जो है मैंने खाना वगैरह बना लिया है और उसके बाद जो है कबाब वगैरह है वो बाद में करूँगी। और अभी मैंने हसन के जो है ये कपड़े मैंने निकाले हैं, यम्मी ने जो स्टिच करवाए थे ईद पे। ये कुर्ता शलवार बना रही हूँ और शलवार जो अम्मी ने स्टिच की थी वो कुर्ता शलवार, और मेरा ये वाला ड्रेस जो आप इससे पहले वाली वीडियो में देख लेंगे। और अभी जो है मैं आने वाले होंगे 7:30-8 तक, फिर हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे, कबाब वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद जो है कपड़े चेंज करके तो फिर वापस जाना है आज। यहाँ पे जी कबाब जो है बना लिए मैंने ये, और ये बाकी ये मिक्सचर है ये बनाए हुए हैं, ये मैं फ्रीज़ कर दूंगी और जो फ्राई करने होंगे वो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से रफली ही बनते हैं, ज़्यादा राउंड में नहीं बनते जो चपली कबाब होते हैं। सो बाद में देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। और यहाँ पे हमारे पुलाव को जो है दम लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा सैलड भी रेडी हो गया है और बस अब कबाब फ्राई करने वाले हैं और पुलाव भी जो है रेडी हो चुका है। सो जी ये हमारा फाइनली खाना रेडी हो गया है और अभी हम खाएंगे। और उसके बाद जी मैंने जाना है वापस अपने ससुराल। और ये चपली कबाब जो है बहुत मज़े के थे, यम्मी से बने थे। सो जी ये खाना बन गया है और अब हम खाने लगे हैं। खुले खुले कपड़े तो प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। अच्छा नो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। इधर देखो, इधर देखो। हेलो बेबी प्लीज। ये लो ये आप ले लो। ओए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सो जी अब निकल चुके थे और ये 14 अगस्त का आप देख सकते हैं। सो उसकी भी जो तैयारी होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वापस आके जो है मैंने बेडशीट चेंज किया है। हसन के लिए कौन लाया है? हाला खाला चीजी लाई है हसन के लिए। आ जाओ ऊपर हसन, ये लो चीजी। आई एम बैक इन माई ससुराल एंड रात का टाइम है। सो व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। सो कल का व्लॉग जो है मतलब पूरे दिन से स्टार्ट करेंगे, सुबह से स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जी जो मैंने अपना नाइट ड्रेस जो है स्टिच करवाया था वो मैंने पहना है, लेट मी शो यू। हेयर आई एम, आई डोंट नो क्लियर क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो, ये सही क्लियर नहीं आ रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।